الحمد لله العلي العلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الكرام وعلى آله وأصحابه الذين هم فازوا بالدين التام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मैं सबसे पहले सरबराहे इदारा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह करीम ने उन्हें ये तौफीक खैर अता फरमाई कि इल्मे दीन सीखने और सिखाने का एक सेंटर उन्होंने उनके आबाओ अजदाद ने कायम किया। धरती पर सबसे अफजल वही है जो दीन सीखे और सिखाए। बेशक मेरी लैंग्वेज में नहीं, मेरी जबान में नहीं, बल्कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जामिया मदीनतुल उलूम कुरान सीखने और सिखाने का अजीम सेंटर है। जामिया की इमारत देखकर सरबराह इदारा के ज़ौक का पता चला और जामिया का स्टाफ देखकर उनके इल्मी मजाक और इल्मे दीन की इशात के शौक का मुजाहरा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल से आवाज निकली, कहां से लाए हैं शेख इन सितारों को, कहां से लाए हैं शेख इन सितारों को। जवाब मिला, ये उस जगह से आए हैं जहां के बारे में ये जरबुल मसल हो गया कि जो अब्र वहां से उठा है वो सारे जहां पे बरसा है। जो अब्र वहां से उठा है वो सारे जहां पे बरसा है और जो अब्र वहां से उठेगा वो सारे जहां पे बरसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जामिया शफिया मुबारकपुर वो अजीम शान इदारा है, मसलके आला हजरत, मसलके मुफ्ती आज़म हिंद, बेशक मसलके ताजुश शरिया, मसलके मुहद्दिस आज़म हिंद, मसलके आला हजरत रदियल्लाहु तआला अन्हो, वो अजीम सेंटर है कि उस सेंटर के बारे में अब मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है जो अब्र वहां से उठा है वो सारे जहां पे बरसा। सुभान अल्लाह। लंदन जाओगे वहां तो मिसबाही फर्जंद मिलेगा आपको, अमेरिका जाओगे वहां भी आप मिसबाही फर्जंद मसलके आला हजरत का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। दुनिया के जिस खित्ते में भी चले जाओ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर हाफिज़े मिल्लत की खुलूस की बरकतें आज हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बरस रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे हाफिज मिल्लत। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए सब उसी जुल्फ के असीर हुए। कछौशा शरीफ की धरती पर आप चले जाएंगे, हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां दामदुल आली जामिया शफ के प्रोटेक्टर।
जामे अशफिया से 11 साल तक मुसलसल उन्होंने अखज़े उलूम शरईया किया है 11 साल तक। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी और अल्लामा अरशदुल कादरी, इस जैसे न जाने जितने बड़े बड़े उलमा को आप नाम लेंगे वो सब, बस ये कहा जाए कि सब उसी जुल्फ के असीर हुए, हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सब उस जुल्फ के असीर हुए। वाह वाह वाह, बिला शुबा मुबारकबाद के काबिल है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम मिसबाही तेगी दामज़ुल आली, उन्होंने एक अजीम शान किले की सरबराही का बेड़ा उठा रखा है और पूरे वलवले के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरे शौक और ज़ौक के साथ इस इदारे की तरक्की में, इस इदारे के फ़रोग़ इस्तेहकाम में लगे हुए हैं और उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। इनकी जिद्दोजहद के, इनकी मशक्कतों के रिजल्ट हमारे सामने हैं। ये इमामे बांधे हुए लड़के, ये अब आम लड़के ना रह गए, ये लड़कों में मुमताज लड़के हैं, ये मुमताज फर्जंद हैं। वाह 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 वाह, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा प्यारे, आज आपके सर पे इमामाबाद दिया गया तो अब आप आम लड़कों से बहुत अलग थलग हो गए, बहुत अलग थलग हो गए। अब आपका पायजामा भी देखा जाएगा, आपका कुर्ता भी देखा जाएगा, आपका चलना फिरना देखा जाएगा, आपका खाना पीना देखा जाएगा, आपका उठना बैठना देखा जाएगा, और अगर कहीं एक्सीडेंट करेंगे आप, आपसे कहीं चूक हुई, ये चूक बहुत दूर तक जाएगी, याद रखिएगा। इसलिए लाज रखिएगा अपने असातिज़ा की, अपने असातिज़ा के असातिज़ा की लाज आपके हाथों में है। अब आपकी नमाजें नहीं छूटनी चाहिए, नमाज तो नमाज, आपकी जमात भी नहीं छूटनी चाहिए। आपका लबो लहजा, आपका लबो लहजा इस्लामी लबो लहजा होना चाहिए। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना सब अब इस्लाम के दायरे में होना चाहिए। आप आइडियल होंगे, आपको देख कर लोग अमल करेंगे, आपको देखकर लोग सीखेंगे, आपके चलने से लोग सीखेंगे, आपके खाने पीने से लोग सीखेंगे, आपके उठने बैठने से लोग सीखेंगे, आपके किरदारों गुफ्तार से लोग सीखना शुरू कर देंगे। आप इस्लाम के एक आइडियल होंगे आप। इसलिए आप अपने आप को अब बहुत संभल के रखना, संभाल के रखना, कदम उठे तो इस्लामी उसूल जवाबित की रोशनी में उठे, आपकी गुफ्तगू हो इस्लाम की रोशनी में हो। मेरे अजीज, इसमें कुछ हुफ्फाज़े किराम भी हैं। हुफ्फाज़े किराम क्या है? मैं उनके गार्जियन से कहना चाहूंगा, आपने अपने बच्चों को हुफ्फाज़े हाफिज़ कुरान बना दिया। हाफिज़ कुरान बस यूं समझो कि एक मेडिकल स्टोर मिल गया आपको, इस्लामी उलूम शरईया का मेडिकल स्टोर मिल गया है, लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सी दवा कहाँ काम करेगी। इसलिए जरूरत है आपको फिजिशियन बनने की भी और सर्जन बनने की भी जरूरत है। फिजिशियन और सर्जन कब बनेंगे आप? फिजिशियन वो होता है जो दवाएं रखता भी है और लोगों को दवाएं तजवीज करके देता भी है, और सर्जन वो है जो सर्जरी करता है, मतलब मफासिद को दूर करने की भी कोशिश करता है, मफासिद को खत्म करने के लिए तैयारी करता है, मफासिद को खत्म करने के लिए वो छुड़ा उठाता है और चाक भी करता है। मेरे अजीज, इसलिए जो हाफिज कुरान बन गए हैं, मैं उनके घर वालों से गुजारिश करूंगा, इन्हें अब आलिम दीन बनाने की भी पूरी तैयारी कर लीजिए आप। सिर्फ हाफिज कुरान अगर रहते हैं तो ये कुरान मजीद तो सुना सकते हैं, कब? रमजान शरीफ में कुरान मजीद सुना सकते हैं और तरावी का नजराना ला करके आपकी जेब में डाल सकते हैं, आपके दामन में ला के डाल सकते हैं, लेकिन ये मसाइल नहीं बता सकते, ये मसाइल नहीं बता सकते, दीन की बातें नहीं बता सकते, बस कुरान सुना सकते हैं, कुरान सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में जो आया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, मतलब यह है कि कुरानी उलूम सीखे और सिखाए। कुरानी उलूम में क्या है? नमाज का मसला है, रोजे का मसला है, अकीदे का मसला है, जकात का मसला है, हज का मसला है, ये सारे मसाइल हैं। और आपने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, हाफिज़ कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया। खुदा के वास्ते इनसे किसी तरीके की इनकम की उम्मीद मत रखना कि ये कुरान सीख रहे हैं तो कुरान सीख करके इनकम लाएंगे, आमदनी लाएंगे, पैसे लाएंगे, रोज
और करंसी लाएंगे। अगर ये आपने जज्बा रखा है तो याद रखिए, कल मैदाने मैशर में आपको कुछ भी सवाब ना मिलेगा। मुझे इस मौके पर हजरत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात याद आती है कि एक दौर था जब हजरत इमाम अबू यूसुफ रजी अल्लाह ताला अन्हो को काजिल कोजात बनाया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया। आप मदरसे के प्रोडक्ट थे, मदरसे से फारिग तहसील थे, उलमी दुनिया के आप एक्सपर्ट थे। आपको काजी बना दिया गया और काजी बनने के बाद आपकी शान शौकत, आपका जलवा ये था कि आप घोड़े पे सवार होते, आगे पीछे फौज होती, ये जलवा था और अच्छी तनख्वाह थी। तो उस दौर में लोगों को उनका जलवा देखकर बड़ा शौक हुआ, जिसको देखो वही अपने बच्चे को एक और है, अभी सब बाकी रह गया लोगों का, जिसको देखो वही अपने बच्चे का दाखिला मदरसे में कराने की कोशिश कर रहा है। क्यों? कि मेरा बच्चा भी इख्तदार पा जाएगा, अच्छी तनख्वाह पा जाएगा, इसलिए पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उस दौर के मुतदय्यिन मुत्तकी परहेजगार उलमा ने ये देखा तो एक सेमिनार किया, एक नशिश रखी और फैसला ये किया कि इस वक्त फिक्र सीखना नाजायज हराम है। फिक्र सीखना नाजायज हराम है। क्यों? अब देखा ये कि लोगों ने फिक्र इल्मे दीन सीख रहे हैं, किस लिए? दौलत के लिए। तो अगर दौलत के लिए सीखा जाए तो ये सीखना नाजायज और हराम होगा। ये इल्मे दीन का मिसयूज है, उलूमे दीनिया का ये मिसयूज है, उसकी इंसल्टी है, उसकी इंसल्ट है, बहुत बड़ी तौहीन है। उसको आपने सीखा है दुनिया कमाने के लिए नहीं। उलूमे शरईया, उलूमे दीनिया तो इसलिए सीखा जाता है आखिरत का सौदा करने के लिए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हुफ्फाज़े किराम के वालिदैन से और उलमा जो अभी फारिग हुए हैं उनके वालिदैन, उनके गार्जियन से भी गुजारिश करूंगा कि इनसे आप दुनिया की दौलत हासिल करने का शौक मत रखिएगा। ये ले आए तो सुभान अल्लाह, आ जाए तो सुभान अल्लाह, उसको मना नहीं करना है, लेकिन आप यही तलब रखें कि ये पैसा लाके देंगे इसलिए कि पढ़े हैं, पढ़े इसलिए नहीं है कि ये दुनिया ला करके आपके दामन में डाल देंगे, नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ये पैगंबर आपको आपका रब अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा, क्या क्या अता फरमाएगा, इसको कुरान मजीद में नहीं बताया गया। जब कोई चीज अरबी ग्रामर के एतबार से महजूफ होती है, जिक्र नहीं की जाती है, तो वो अजमत पे दलालत करती है, यानी आपको आपका परवरदिगार बहुत ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा कि आप राजी हो जाए। ये मैंने आयत करीमा मुंतखब की है, इसकी तलावत का शरफ हासिल किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके परवरदिगार ने बेपनाह अता फरमाया, इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया कि आप राजी हो गए। जाहिर सी बात है, परवरदिगार फरमा रहा है। इसीलिए आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दसा सुर्रुहु फरमाते हैं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबों महिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 वाह। और हजरत ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे।
जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाकई आज ये हमारे सामने जो इमाम आबादे बैठे हुए हैं, परवरदिगार का ऐसा करम हुआ ये जमीन से उठे हैं, अब आसमान बन गए हैं। कैसे ये मस्जिदों के जब इमाम बनेंगे तो इनके पीछे रुआसा भी होंगे, उमरा भी होंगे, माफिया भी होंगे, जो भी आएगा इनके इशारों पे उठेगा, इनके इशारे पर बैठेगा, इनके इशारे पर खड़ा होगा। ये जब चाहेंगे बैठा देंगे, जब चाहेंगे खड़ा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिदों के जब इमाम बन जाएंगे यही लोग, इमाम जब बनेंगे तो अब ये किसी के दूसरे के आर्डर पे नहीं बल्कि इनके इशारों पर, उस मोहल्ले का करोड़पति भी होगा तो इनके इशारों पर उठेगा और बैठेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ा से बड़ा डॉन हो, बड़ा से बड़ा माफिया भी हो, ये जब इमाम बन जाएंगे तो अब ये कोई नहीं कहेगा इनसे कि क्यों आगे बैठे हो, क्यों आगे खड़े हुए हो। नहीं, अगर कोई कहेगा तो बहुत बड़ा मुजरिम होगा। तो परवरदिगार ने इन्हें अता फरमा दिया, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह सुभान, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को वासमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाह वाह वाह। मेरे अजीज, परवरदिगार ने अपने हबीब को मालिको मुख्तार बनाया दुनिया का। दुनिया में आपको भेजा गया तो मालिको मुख्तार बनाकर, देखने को आपके पास कुछ नहीं रहता था लेकिन आपके दस्ते करम में दुनिया की बरकत और दुनिया की दौलतें सिमटी रहती थी। यही वजह है कि सहाबाए किराम बिला तकल्लुफ सरकार अलैहि सलाम की बारगाह में मांगने के लिए चले आया करते थे। वो जानते थे कि ये दाता बना करके पैदा किए गए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु चले आए एक दिन। अबू हुरैरा कौन है? ये सबसे पहला मदरसा इस्लाम में, जो सबसे पहला मदरसा कायम हुआ वो मस्जिद नबवी में। एक चबूतरा है सुफा, जो हज करने गए होंगे और किस्मत ने यावरी की होगी तो मदीने तैयबा की भी ज़ियारत किया होगा। आजकल कुछ लोग मक्का में बैठ करके बड़ा कंपेन करते हैं कि मदीना काहे को जाओगे, वहां क्या मिलेगा, मदीना काहे को जाओगे, वहां क्या मिलेगा। मैं खुद जब हज करने गया तो जब मदीने की बस लगी तो सब तैयारियां कर रहे थे। इलाहाबाद के एक जनाब आए कि मौली साहब कहाँ जा रहे हो, मुझसे मसाइल पूछा करते थे, कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मदीना। मदीना क्यों जा रहे हैं आप, यहाँ पर रहिए ना, यहाँ एक रकात नमाज पढ़ेंगे 1,00,000 रकात का सवाब, एक नेकी करेंगे तो 1,00,000 नेकी फौरन डेवलपमेंट कर जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, और मदीना में क्या है। मदीना में कहा कि मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि 10,000 नेकी का है, 1 नेकी पर 10,000, तो किस लिए जा रहे हैं। मौलाना साहब यहीं रहिए, जब तक मौका मिले यहीं रहिए, हमको भी आसानी रहेगी, आपसे हरदम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं मसला। मुझे उस दिन पता चला कि आदमी कौन है। मैं कहा अच्छा, तो कैलकुलेटर नहीं खरीदा आपने। कहा क्या करेंगे कैलकुलेटर। मैं कहा पहली बात तो सुनिए आप, जो 10,000 की रिवायत है वो भी है रिवायत, लेकिन 50,000 की भी रिवायत है। एक नेकी करेंगे मदीने तैयबा में तो 50,000 नेकी मिलेगी, और आपके पास एक ही रिवायत है। हम तो अच्छा जज्बा रखते हैं और बुलंद फिक्र रखते हैं। एक शायर का शेर है, अपने जर्रों का भी नाम महोताबा रखो, अपने जर्रों का भी नाम महोताबा रखो, इससे जहनों की बुलंदी का पता चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिवायतें हैं, लेकिन हम क्यों छोटी रिवायत ले भाई, गनी के दरबार से लेना है। हाँ, हमारा परवरदिगार गनी है भाई, वहां क्या सोचना है यार कि 10,000 वाली रिवायत लेंगे, हम तो 50,000 वाली रिवायत लेंगे। क्या चलिए 50,000 वाली भी रिवायत ले ले, तब भी तो बिल्कुल हाफ पर है, क्यों जाएंगे। मैं कहा कैलकुलेटर ले आइए, हम समझा दें आपको। सुनिए, आपको पूरी रिवायत पूरी हदीस याद ही नहीं है। सुनिए साहब, मक्का मुअज्जमा में, काबा मुअज्जमा में आप एक नेकी करेंगे 1,00,000 नेकी लिखी जाएगी, और अगर एक्सीडेंट हो गया, एक गलती हो गई तो एक गलती नहीं लिखी जाएगी, 1,00,000 गलती भी लिखी जाएगी। लेकिन मदीने तैयबा की रहमत कामिला का मंजर यह है, वहां एक नेकी करोगे तो 10,000 रख लो, 10,000 रख लो तो 10,000 तो बैलेंस बन गया ना, और अगर धोखे से एक गलती हो गई, एक ही गलती लिखी जाएगी।
तो 9999 का बैलेंस आज भी तुम्हारे पास मौजूद रहेगा। यहाँ अगर आपने एक नेकी किया और गलती हो गई एक, तो 0 बटा 0 कुछ भी ना बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा। लेकिन मदीने तैयबा में आपने एक नेकी की तो 10,000 मिली, और एक गलती हुई तो आपके पास 9999 नेकी अब भी मौजूद। तो आप कैलकुलेटर लेकर बैठो, देखो हिसाब कहां ज्यादा अच्छा पड़ता है। लाजवाब हो गया। और लास्ट में मैंने वही पढ़ा कि तैयबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। अबे भाग, तैयबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। मेरे अजीज हजरत अबू हुरैरा उसी सुफा के स्टूडेंट हैं। वो सुफा सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला कॉलेज, इस्लामी कॉलेज, सबसे पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी, सबसे पहला दारुल उलूम, सबसे पहला जामिया वो सुफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल पीछे वो सुफा आज भी उसी तरह कायम है, उसमें रद्दो बदल कुछ नहीं हुआ है। अच्छा है, जो लोग जाएं तो वहां पर जरूर बैठ लिया करें, वहां बैठ कर कुछ पढ़ लिया करें, कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करें। वहीं के स्टूडेंट थे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबे किराम स्टूडेंट थे। अजीब बात है, वहां एडमिशन के लिए उम्र नहीं देखी जाती थी और न डोनेशन लगता था, न कोई फीस लगती थी, और वैसी मतबख भी नहीं था। कुछ कहीं से सदके का माल आ गया तो बांट करके खा लिया, यही सिस्टम था, यही व्यवस्था थी। हजरत अबू हुरैरा वहीं के स्टूडेंट थे। कभी कभी कई कई रोज तक सदके का कुछ माल ही नहीं आया तो कई कई रोज तक भूखे रह जाते थे लोग, पानी पी पी कर गुजारा होता था, लेकिन जमे रहते थे, स्ट्राइक नहीं करते थे। या तो खाने में थोड़ी कमी हो गई, कुछ गड़बड़ निकल आया, चावल गड़बड़ आ गया, तो साहब नारा लगाने लगते हैं। यहाँ के लड़के नहीं लगाते होंगे, मतलब बात जगहों पे सुनने में आता है कि नारा लगाने लगते हैं, गलत बात है। असहाबे सुफा को देखो, वो सबसे पहले स्टूडेंट है, इस्लामिक स्टूडेंट, उन्होंने कभी नारा नहीं लगाया, मतबख था ही नहीं वहां, लेकिन पढ़े रहते थे, सीखते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे से रिवाइज करते थे। हजरत अबू हुरैरा को कई रोज हो गया खाना नहीं मिला, भूख लगी थी, सोचा कि चलूं रोड पे खड़ा हो जाऊंगा, शहर है आम पे खड़ा हो जाऊंगा, कोई गुजरेगा सलाम करूंगा, और जब सलाम करूंगा आवाज से पहचान जाएगा कोई, तो पूछेगा कि भूखे हो क्या, कह दूंगा हाँ। ये जज्बा था, मांगने का जज्बा नहीं था। मुसलमान मांगा नहीं करता, मुसलमान भिखारी नहीं हुआ करता। लेकिन अजीब अलमिया बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, आज ट्रेनों में देखो, रोडों पे देखो, और कहीं ना देखो तो मजारों पे देखो आप, लगता है कि कॉन्फ्रेंस है इनकी भीख मांगने की। आप इतने भिखारी, इतने भिखारी मुसलमानों में। अल्लाह अकबर, हमारे और आपके पैगंबर आखिरु ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल ज़ुल्लुन, सवाल ज़िल्लत। और हदीस शरीफ में है, भीख मांगने वाला दुनिया में कल मैदाने महशर में ऐसा उठाया जाएगा कि उसका चेहरा नोचा हुआ होगा, दूर से पता चल जाएगा ये कोई भीख मांगा, ये भीख मांगा करता था मैदाने महशर में। इसलिए मुसलमानों, लोगों को बताओ कि मुसलमान भीख मांगने के लिए नहीं पैदा किया गया है, बल्कि दुनिया वालों को भीख देने के लिए पैदा किया गया है। एक सहाबी पैगंबर आखिरु ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, या रसूलल्लाह कुछ अता फरमा दीजिए। हाथ फैलाया, मेरे आका का हाल, कभी दरियाए करम जोश पे है तो बहुत कुछ उठा के दे दिया, लेकिन उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, अलैसा इंदका शयून, अलैसा इंदका शयून, क्या तेरे पास कुछ नहीं है? सहाबी रसूल ने कहा, या रसूलल्लाह कुछ नहीं है, एक टाट है उसी को बिछाता हूँ, आधा आधा ओढ़ता हूँ, एक लकड़ी का प्याला है या रसूल अल्लाह, घर में और कुछ है ही नहीं, एक लकड़ी का प्याला है, खाना मिलता तो उसी में खा लेता हूँ, उसी में पानी पी लेता हूँ, और कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा लकड़ी का प्याला लेकर आ। दौड़े हुए गए, लकड़ी का प्याला लेकर आए। अब सहाबे किराम का झुरमुट तो हमेशा रहता था, मजमा तो लगा ही रहता था। प्याला लेकर आए, रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया।
अब रसूलुल्लाह ने प्याला अपने हाथ में लिया और फरमाया, ए शख्स, ये तेरा प्याला है। कहा, हाँ या रसूलल्लाह, क्या तू मुझे इजाजत देता है कि मैं इसे बेच दूं? साहबी रसूल ने कहा, या रसूल, आप मालिक हैं, बेच दे, बेच दे आप। मेरे आका ने उसी मजमे में बोली लगवाना शुरू कर दिया, प्याले का नीलाम कर दिया, प्याले को नीलाम, बोली लगाओ भाई ये प्याला कौन लेगा, बोली लगाओ, जिसकी बोली हाई होगी उसको ये प्याला दे दिया जाएगा। अब बोलियां शुरू हुई साहब। उस वक्त दिरहम चलता था, दीनार चलता था। एक दिरहम में 48 दानिक हुआ करते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ इंडिया में रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसी दिरहम में 48 दानिक हुआ करते थे, दानिक। तो किसी ने एक दानिक दाम लगाया, किसी ने दो दानिक दाम लगाया, किसी ने चार दानिक दाम लगाया, ऐसी बोली बढ़ती गई। रसूलुल्लाह नहीं नहीं करते रहे, नहीं भाई और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। बड़ी हिम्मत से एक सहाबी उठे, कहा, या रसूलुल्लाह मेरा दाम पूरे एक दिरहम, पूरे एक दिरहम मेरा दाम है। मेरे आका ने फरमाया, नहीं और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। बड़ा सन्नाटा छा गया कि अब तो महंगा हो जाएगा प्याला। ही देखते रहे लोग, देखते रहे। अचानक एक सहाबी को जोश आया, या रसूलल्लाह पूरे 2 दिरहम का मैं इसको लेना चाहता हूँ, 2 दिरहम पूरे 2 दिरहम का मैं लेना चाहता हूँ। मेरे आका ने बुला के दे दिया, ले जाओ। बिक गया 2 दिरहम का वो प्याला। अब जिनका प्याला था उन्हें बुलाया, इधर आओ, ये तुम्हारे 2 दिरहम हैं, 1 दिरहम लेकर जाओ गल्ला घर पे रख दो, और 1 दिरहम लेकर जाओ मार्केट कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ। वो दौड़े हुए गए, गल्ला खरीदा, घर पे रखा, और 1 दिरहम लेकर मार्केट चले गए और कुल्हाड़ी लेकर आए। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्हाड़ी दिया तो रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से, अपने दस्ते करम से उसमें बेंत लगाया। ये रसूलुल्लाह का प्यार देखो आप। मेरे आका अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं आप देखो। कोई माँ बाप भी इतना प्यार नहीं करेगा। है कोई दुनिया का पीर, है कोई दुनिया का उस्ताद, है कोई दुनिया का मखदूम जो पैरे पैगंबर से ज्यादा अपने सहाबा से प्यार करता हो, अपने रफका से प्यार करता हो। ये रसूलुल्लाह का प्यार देखो। मेरे आका अपने हाथ से उसमें बेंत लगा रहे, सहाबे किराम देख रहे, रश्क भरी निगाहों से बेंत लगा करके तैयार कर दिया। ए शख्स, ये कुल्हाड़ी तैयार है, ले जा जंगल में, जा लकड़ी काट बेच, लकड़ी काट बेच। जब तक तुम्हारे पास कुछ रकम ना हो जाए, एक रिवायत में है कि 10 दिन तक तू इधर मत आना, 10 दिन तक तू इधर मत आना, जा 10 दिन तक तू इधर मत आना। साहबे रसूल गए 10 दिन तक जंगल से लकड़ी काटते, लाके बेचते, लाके काटते बेचते बेचते बेचते। जब पूरा 2 दिरहम तैयार हो गया तो बड़ा मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ी कंधे पे रखा और मुस्कुराते हुए दरबारे रिसालत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मैं अब 10 रोज मुकम्मल करके आपके दरबार में आ चुका हूँ, मेरे आका कुल्हाड़ी सुरक्षित है, अलग से 2 दिरहम तैयार हो गया, अलग से 2 दिरहम तैयार हो गया। मतलब क्या है? मेरे आका मुसलमानों को भिखारी नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए तो ज़कात का सिस्टम नाफिज किया गया। ये ज़कात का सिस्टम इसीलिए नाफिज किया गया। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग ज़कात का जो सिस्टम है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते, उसको हम सही तरीके से तकसीम नहीं कर पाते। अगर ज़कात सही तरीके से तकसीम की जाए, जो इस्लामी निजाम जिसका खाहा है, तो दुनिया में मुसलमान कहीं गरीब ना रहे, दुनिया में कहीं मुसलमान गरीब ना रहे। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे मुबारक है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं और आपने सारे गवर्नरों को ऐलान कर दिया था कि आधी ज़कात वहीं पे खर्च कर दी जाए और आधी ज़कात सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाए, मदीना में भेजी जाए। आधी ज़कात, आधे सदकात, आधे अतियात, आधे से उस जगह का डेवलपमेंट होना चाहिए। इत्तेफाक से यमन के गवर्नर ने जितनी जकात वसूल हुई थी सब भेज दिया उठाकर। फारूक आजम को जलाल आया, बुलवाया कि मैंने तो ये कहा था कि आधी जकात वहां खर्च की जाए, तुमने पूरी क्यों भेज दिया, भेज दिया। उन्होंने कहा कि अब यमन में कोई जकात लेने के लायक ही नहीं रहा, अब यमन में कोई जकात लेने के लायक है ही नहीं, अब कहां दे दूं।
इसलिए मैंने यहाँ भेज दिया। तो अगर जकात वाकई सही तरीके से उसका उसको यूज किया जाए, सही तरीके से उसको तकसीम किया जाए, तो वाकई लोगों में खुशहालियां आ जाएगी, हर मुसलमान किसी ना किसी छोटे बड़े कारोबार से मुंसलिक हो जाएगा। तो भीख मांगना मजहब इस्लाम में हराम है, भीख मांगना हराम है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवाल जुल्म सवाल जिल्लत, यानी भीख मांगना ये मुसलमान के लिए जिल्लत। तो हजरत अबू हुरैरा ने ये जज्बा रखा था कि मांगूंगा नहीं, अगर कोई कहेगा कि भूखे हो तो कह दूंगा हाँ, मांगूंगा नहीं, हाथ नहीं फैलाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा जाके खड़े हो गए शाहिर आयाम पर। इतने में हजरत फारूक आजम का गुजर हुआ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक आजम ने आगे कुछ नहीं पूछा, आगे बढ़ गए। कुछ ही देर के बाद हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे, उनसे भी सलाम किया, उन्होंने बेजवाब दिया, कुछ नहीं पूछा। अब हजरत अबू हुरैरा बहुत परेशान हो रहे थे, भूख बहुत ज्यादा लगी थी। इतने में सरकारे दो आलम, दाताओं के दाता, आकाओं के आका का गुजर हुआ। फड़क उठे, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जवाब दिया और फरमाया, अबू हुरैरा भूखे हो क्या, भूखे हो क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा पीछे पीछे आओ। अबू हुरैरा पीछे पीछे चल पड़े, मस्जिद नबवी में गए, बैठे। अभी बैठे ही थे कि अचानक एक दूसरे सहाबी एक प्याला दूध लेकर आए और रसूलुल्लाह की बारगाह में नजर कर दिया, पेश कर दिया। हजरत अबू हुरैरा कहते, मैं बड़ा खुश हो गया कि अब ये पूरा दूध मुझे मिलेगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह को खूब मालूम है कि मैं भूखा हूं, मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही है, ये पूरा दूध मुझे मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से छूट उठे। मेरे आका ने कहा, या अबा हुरैरा, हाँ या रसूल अल्लाह, जाओ अपने साथियों को बुला लाओ, सुफा पर जो और सहाबा किराम है सबको बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा गए तो देखा वहां 70 से कम कभी नहीं रहते थे, तलबा की तादाद जो तलबा थे 70 से कम कभी नहीं रहते थे, 80, 90, 100, 150, 200 हो जाए, लेकिन 70 से कम, तजर्बा यह था कि 70 से कम कभी होते ही नहीं थे। तो सब चले आए, साहब बुलाया गया मस्जिद नबी में, सब चले आए। मेरे आका ने कहा, या अबू हुरैरा ले जाओ सबको पिलाओ एक तरफ। अब एक प्याला दूध है, पिलाए चले जा रहे हैं, पिलाए चले जा रहे हैं, सब पिए जा रहे हैं और सब कह रहे हैं अब्बास, सब कह रहे हैं अब्बास। अब आर्डर हो गया पैगंबर का, मुख्तारे कायनात का आर्डर हो गया, ये दूध तू खत्म ना होना, तू खत्म ना होना। तो अब दूध में मजाल कहा कि वो खत्म हो जाए, पियाए जा रहे, पीले जा, पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे। लास्ट में सब जब पी चुके फिर भी अभी प्याला भरा हुआ है, लेकर आए और रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ाया। रसूलुल्लाह ने ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। हाथ में लेकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अबा हुरैरा मा बकिया इल्ला अना व अंता, मैं बाकी हूं और तुम बाकी हो, बताओ अब कौन पहले पिएगा। अब बताइए कोई शागिर्द अपने उस्ताद से कह सकता है कि पहले मैं, कितनों भूखा शागिर्द हो, कितनों भूखा मुरीद हो अपने पीर से कहेगा कि सबसे पहले पहले मैं खाऊंगा, नहीं कर सकता ना, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो हजरत अबू हुरैरा खामोश, मेरे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते अच्छा लो। बढ़ाया, जैसे अबू हुरैरा की तरफ बढ़ाया, अबू हुरैरा ने लेना चाहा, फिर खींच लिया रसूलुल्लाह ने। जैसे एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है, जैसे एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, मेरे आका अपने सहाबी से प्यार खेल रहे हैं। फिर बढ़ाया, फिर अबू हुरैरा ने लपक के लेना चाहा, फिर खींच लिया। तीन मर्तबा मेरे आका ने इस तरीके से किया, चौथी मर्तबा में अबू हुरैरा को दे दिया और कहा बैठ जाओ पियो। हजरत अबू हुरैरा बैठ गए, लगे पीने
अब मेरे आका कहे जा रहे थे इशरब और पियो, इशरब और पियो, इशरब और पियो। महबूब कहे जा रहा हो महबूब से कि पीते जाओ पीते जाओ, जरा उसमें लज्जत कैसी हुई आप महसूस कीजिए, कितना मजा आता रहा होगा हजरत अबू हुरैरा को। इसीलिए तो बरेली के ताजदार और इश्को मोहब्बत के सरदार आला हजरत फाजिले बरेलवी कहते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, यानी बरेली में बैठकर आज वो उस लज्जत को महसूस कर रहे हैं कि बड़ा मजा आता रहा होगा, बड़ा लजीज रहा होगा वो दूध। महबूब कह रहा हो, वो भी महबूबों का महबूब कह रहा हो, इशरब और पियो, इशरब और पियो, इशरब और पियो। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सबने कहा था अब बस, अब बस, अब बस। लास्ट में अबू हुरैरा को मिला था, अबू हुरैरा पिए जा रहे, पिए जा रहे, पिए जा रहे। लास्ट में अबू हुरैरा भी कहते, या रसूल अल्लाह अब नहीं पी पाऊंगा, ला अजदो फिया मसलकन, या रसूल अल्लाह ला अजदो फिया मसलकन, अब मैं हलक में कहीं कोई रास्ते ही नहीं पा रहा हूं, सब फुल हो गया, सब फुल हो गया है मेरे आका, अब नहीं पी पाऊंगा। तो नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमी को वासमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। परवरदिगार ने अपने हबीब को मुख्तारे कायनात बना करके भेजा था, उनका आर्डर जमीन पर भी चलता था, आसमान पर भी चलता था। आपने आसमान पर सूरज जो है इसको अपने आपने उंगली के इशारे से वापस बुलाया, चांद को दो टुकड़े किया है आपने, दरख्तों को बुलाया दरख्त दौड़े चले आते थे, चांद को इशारा करते थे चांद दो टुकड़े हो जाया करता था, सूरज को बुलाते थे सूरज दौड़ा चला आया करता था। मेरे आका का हाल ये था कि आप जो चाहते थे वो हो जाया करता था, परवरदिगार ने आपको मुख्तारे कायनात बनाया था। मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हो कहते, जुमा का दिन था, मैं जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद में जाया करता था और पहली सफ में बैठने की कोशिश करता था। हमारे मुसलमानों में बहुत से लोग और नमाजें तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जुमा के दिन बाद लोग बड़ी तैयारी से और बिल्कुल पहली सफ में नजर आते हैं। मैं उन मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुमा के साथ साथ दूसरी नमाजें भी फर्ज हैं, दूसरी नमाजें भी फर्ज, जैसे जुमा फर्ज है वैसी जोहर भी फर्ज है, वैसी फजर भी फर्ज है, वैसी ईशा भी फर्ज है, वैसी फजर भी फर्ज है, वैसी मगरिब भी फर्ज है। सारी नमाजों की पाबंदी हम पर लाजिम है, कंपल्सरी है। मैदान महशर में पूछा जाएगा तो सबसे पहले मुसलमानों से नमाजी के बारे में पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, और नहीं पढ़ते थे तो जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा, और आप यही कहते हुए नजर आएंगे कि हम नमाजी नहीं थे, कल हम नमाजी नहीं थे इसलिए जहन्नम में ढकेल दिए गए। मेरे अजीज, इसलिए नमाजों की पाबंदी लाजिम पकड़ो। हजरत अनस कहते हैं, मैं पहली सब में बैठता था, मस्जिद भर गई साहब, जुमा का दिन था, रसूलुल्लाह खुतबा के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए, अभी तशरीफ रखते ही थे कि अचानक मजमे को चीरता हुआ एक अजनबी चेहरा बिल्कुल रसूलुल्लाह के करीब आ गया। जाहिर सी बात है, मिंबर पर इमाम खुतबे के लिए तैयार हो और पूरी मस्जिद खचाखच भरी हो, कोई अजनबी आदमी मजमे को चीरता हुआ इमाम के पास जाएगा तो लोगों की निगाहें तो उठ जाएंगी कि कौन आदमी है भाई, क्या करने जा रहा है, क्या बात है ये। सब लोग देखने के लगे उस शख्स को। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह हलकल माल वो जाल आयाल, हलकल माल वो जाल आयाल, हलकल माल वो जाल आयाल। या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, सख्त धूप हो रही है, फसलें जल गई, फसलें सूख गई, जानवर प्यास से मरे जा रहे हैं। या रसूल्लाह, अब तो घरों में भी खाने का सामान नहीं है। या रसूल्लाह, हलकल माल वो जाल आयाल, माल बर्बाद हुआ, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, वो जाल आयाल। हजरत अनस कहते, मैं देख रहा था मस्जिद नबवी की छत घास फूस की थी, धूप छन छन कर आ रही थी, धूप धूप छहिया जिसको कहते हैं, धूप छन छन कर आ रही थी।
कि मैं बिल्कुल रसूलुल्लाह के सामने था। पहली सफ में रसूलुल्लाह को देखा मैंने, उन्होंने अपनी अंगुश्ते शहादत उठाई है बादल की तरफ और यूं किया है, जैसे जैसे आप उंगली का इशारा करते जा रहे थे वैसे वैसे आसमान पर बादल छाया जा रहा था, घटा छाए जा रही थी। घटा छा गई, अंधेरा हो गया मस्जिद नबवी में, अंधेरा हो गया। रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया, नमाज के लिए खड़े हुए। जैसी नमाज के लिए खड़े हुए मूसलाधार बारिश हुई। अब हमारी पेशानियां जो सीधे के लिए जमीन पर गई तो सूखी जमीन नहीं थी, हमने कीचड़ में सीधा, मस्जिद जलथल हो गई। बाहर निकले तो पूरे मदीने में जलथल, पानी ही पानी, पानी बरसता रहा, पानी बरसता रहा। हत्ता इजा जा अतिल जुमुअतुल उखरा, यहां तक कि दूसरा जुमा भी आ गया, पूरे हफ्ते बारिश। क्यों? रसूलुल्लाह मुख्तारे कायनात है, परवरदिगार ने उन्हें पावर दिया, वो फुल पावर पैगंबर है, वो फुल पावर पैगंबर। उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ए बादल तू बरसता रहा, तो अब बादल बरसता जा रहा है, बादल में मजाल नहीं कि वो रुक जाए, बरसता रहा। हत्ता इजा जातिल जुमुअतुल उखरा, यहां तक कि दूसरा जुमा आ गया और पानी वैसे ही बरस रहा, मुसलसल बरस रहा, पानी बरसे जा रहा है, दूसरा जुमा आया। हजरत अनस कहते हैं फिर मैंने अपने मामूल के मुताबिक मैं वहीं जा गया, बैठा जा करके जहां बैठा करता था। मस्जिद कीचड़ बनी हुई थी, फर्श पुख्ता नहीं था, आज ना मार्बल लग रहा है हमारे यहाँ, आज ना टाइल्स लग रही है। मस्जिद नबवी की छत कैसी थी? घास फूस की थी, जमीन कच्ची थी, जमीन कच्ची थी। सहाबे किराम ने उन हालतों में भी कभी मस्जिद से रुख नहीं मोड़ा, मस्जिद जाते रहे। कह रहे मैं उस दिन भी पहुंचा, बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठा, मस्जिद खचाखच भर गई। फिर एक अजनबी चेहरा मजमे को चीरता हुआ ऐन खुतबे के वक्त रसूलुल्लाह के पास पहुंचता है और वही जुमला कहता है, या रसूलुल्लाह हलकल माल व जाल आयाल, या रसूलुल्लाह हलकल माल व जाल आयाल, या रसूलुल्लाह हलकल माल व जाल आयाल। वही बात, पुरानी बात वही, या रसूलुल्लाह कल कहत साली की बुनियाद पर, पानी न बरसने की बुनियाद पर जानवर भूख को मर गए, प्यास से मर गए, फसलें सूख गईं, गल्ला बेकार हो गया सब, और आज इतनी बारिश हो गई है कि जो फसलें से सब डूब गई हैं, अब सड़ रही हैं, जानवर बह रहे हैं, अब यार सला कुछ कर्म कीजिए। मेरे आका ये नहीं कहते थे कि मैं क्या करूं यार, तुम अल्लाह से कहो ना, नहीं, रसूलुल्लाह जानते थे कि परवरदिगार ने मुझे मुख्तार बनाया है और मेरा दर इन लोगों को मांगने के लिए बनाया है, ये मेरे दर पे आया करेंगे, मुझे बांटते रहना है। इसीलिए आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम मोहम्मद रजा कुद्दस सर्रू कहते हैं, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। मेरे आका मुस्कुराते हैं, कहते अच्छा, फिर आपने वही उंगली उठाया, एक ही उंगली है, कोई अलग से उंगली दूसरी उंगली नहीं, वही उंगली पानी बरसाती भी है और वही उंगली पानी को रुकवाती भी है। हमारे यहाँ, हमारे औलियाए किराम के यहाँ भी अलग से कुछ नहीं होता। ये आप मिर्जापुर गए होंगे कभी, आप वहां एक बाबा कासिम सुलेमानी का मजार है जो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो की औलादे अमजाद से है, वहां तशरीफ लाए थे, मजार वहीं पे है। जब वो हयात थे वहां पर किसी राजा का किला भी था, फौजी रहा करते थे, देसी बंदूकें रहा करती थी। उस किले में सिपाही रहते थे। एक दिन एक सिपाही बाबा कासिम सुलेमानी के पास से गुजरा, देखा कि तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो सिपाही को मजाक सूझा, कहा बाबा ये क्या है? कहा वो क्या है तुम्हारे पास जो लटकाए बैठे हो? कहा ये बंदूक है। कहा ये मेरा हथियार है। बाबा कासिम सुलेमानी ने कहा ये मेरा हथियार है। ये हथियार है? अरे इस हथियार से तो उड़ते हुए परिंदों को मारूंगा, गिर जाएगा अभी। कहा मार के दिखाओ। सिपाही निशानेबाज था, उड़ते हुए परिंदे पर निशाना लगाया, परिंदा फौरन नीचे गिर गया और मर गया, जाहिर सी बात है मर ही जाएगा। बाबा कासिम सुलेमानी ने कहा है भाई तुम्हारे हथियार में पावर, वाकई पावर है, अब उड़ा दो, जाने दो इसको, अब जाओ भेज दो।
अरे ये मर गया अब कहां ही उड़ेगा। अच्छा ये तुम्हारे हथियार में ताकत है, सिर्फ मारने के लिए, जिलाने के लिए नहीं है। ये मेरा हथियार है, इससे मैं मार भी सकता हूँ, इससे जिला भी सकता हूँ। उसने कहका लगाया, मजाक उड़ाया। हजरत बाबा कासिम सुलेमानी ने कहा, सुन अगर मैं तेरे ऊपर इसको फेंक दूंगा ना, तू अभी साइलेंट हो जाएगा, तू अभी मर जाएगा। कनी बाबा पहले इसको उड़ा के दिखाओ। हजरत बाबा कासिम सुलेमानी उठे और परिंदे पर अपने तस्बीह के दानों को फेरते हैं, फौरन परिंदा फदा में मंडलाता नजर आ रहा है, उड़ता हुआ नजर आता। एक ही तस्बीह है साहब, एक ही तस्बीह है, लेकिन तस्बीह थी वो, उस पर कितनी मर्तबा खुलूसुलिल्लाहियत से अल्लाह अकबर की के नाम जपे गए होंगे। आज हम लोग भी कुछ तो काम करते हैं, लेकिन क्या है, आज मस्जिदों में देखते होंगे आप, कोई कटोरा लेके खड़ा रहता है, कोई गिलास लेके खड़ा रहता है, कोई बॉटल लेके खड़ा रहता है, कोई लड़का लेकर खड़ा रहता है, काहे लिए कि अभी मौली साहब निकलेंगे और कुछ अल्लाह कहकर के दम कर देंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा करते कि नहीं करते? करते, यहाँ पर भी होता होगा, हर जगह होता है। तो यार हम लोग एक सजदा करके निकलते हैं और सबसे फुकवाते हैं वो। ऐसा नहीं कि जो पक्के नमाजी उन्हीं से, जो पहली मर्तबा मस्जिद में आया निकला तो उससे भी कहते तुम भी फूक दो। तो भला बताओ, आप जरा सोचो, परवरदिगार की बारगाह में आप चले गए तो दुनिया आपको ये समझ रही है कि ये निकला है तो अपने मुंह से ऐसे बोल देगा तो हमारे बच्चे की बीमारी दूर हो सकती है। मेरे अजीज, अगर वाकई हम अल्लाह की तरफ लव लगा करके अल्लाह का नाम जपना शुरू कर दे, यकीन जानो हमारी भूख से लोगों की बीमारियां नहीं, लोगों के कुफ्र भी दूर होते नजर आएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही एक उंगली थी, अलग से कोई उंगली नहीं, उसी उंगली को फिर उठाया। हजरत अनस कहते हैं, मैं बिल्कुल निगाह गड़ाए हुए था, देख रहा था रसूलुल्लाह अपनी वही उंगली उठा रहे, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं और बादल छटता जा रहा है, बादल छटता जा रहा है। धीरे धीरे बादल ऐसा छट गया कि अब जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो धूप की तपिश हमको महसूस होने लगी। मतलब यह है कि परवरदिगार ने आपको मालिको मुख्तार बनाया है, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। ऐसे पैगंबर के मानने वाले हैं आप, ऐसे मालिको मुख्तार पैगंबर के मानने वाले हैं आप, और आज आप मजबूर नजर आते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अपने इस्लामी किरदार को छोड़ रखा। आज वाकई हम मुहताज और मजबूर, यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत और खार के दहाने पर पड़ा हुआ है, जिल्लत और खारी की जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान को भी छोड़ा और कुरान पर अमल करने को छोड़ा। मेरे अजीज, जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस्लामिक हथियारों को उठा लें। इस्लामिक हथियारों का मतलब क्या है? ये अल्लाह अकबर आपका हथियार है, ये दुआएं आपकी हथियार है, नमाज आपका हथियार है, इबादतें आपका हथियार है। इसको आप सलीके से सीने से लगा लो तो हो जो आज भी बराहिम साइमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अज़ाने ग्रामी, आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपका ये इदारा आपके लिए इतनी शानदार टीम तैयार कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये टीम काहे लिए तैयार हो रही है? सारी दीनी खिदमात, सारे दीनी कारनामों का एक ही हासिल है कि आप सुधर जाएं। मदरसे कायम किए गए आपकी इस्लाह के लिए, जलसे होते हैं आपकी इस्लाह के लिए, तहरीकों की बुनियाद रखी जाती है आपकी इस्लाह के लिए, सारा काम आपकी इस्लाह के लिए कि आप सुधर जाएं। आप कितना ज्यादा बिगड़ गए हो भाई कि मदरसे पे मदरसे कायम किए जा रहे हैं, अंजुमन पे अंजुमन कायम की जा रही है, जलसे पे जलसे हो रहे हैं। ये जलसे काहे लिए होते? ये जलसे काहे लिए हो रहे हैं? आपके अंदर सुधार लाने के लिए। तो आपको गैरत आनी चाहिए कि यार हमारे लिए इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना कहाँ कहाँ से बुलाए जा रहे हैं, काहे लिए? सिर्फ इसलिए कि हम इस्लामी कल्चर को अपना लें। हमारा नाम इस्लामी, हमारे बाप का नाम इस्लामी, हम मुसलमान कहलाते हैं, और फिर भी जो इस्लाम आर्डर करता है हम उससे दूर रहते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, इसीलिए ये बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। काश हर शख्स अपने आप को सुधार ले तो इतने बड़े बड़े जलसों की जरूरत नहीं महसूस होगी। अपने आप को सुधार ले आप तो ये पूरी पूरी रात बैठकर तकरीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंजुमनों की जरूरत नहीं पड़ेगी,
तहरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर शख्स अपने आप को इस्लामियात के सांचे में ढाल ले। यही मदरसों का मकसद है, यही तहरीक का मकसद है, यही उलमाए किराम का मिशन है, यही औलियाए किराम का मिशन रहा। मौला करीम हमें इस्लामियात पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वा आखरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।